हेलो दोस्तों, आज का क्लास नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति क्लास 5 को लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखिए दोस्त, आज का जो टॉपिक होगा, जो कि बार बार परीक्षाओं में एसएससी एमटीएस सीजीएल सीजीएल आदि अन्य प्रतियोगी की परीक्षाओं में बार जो प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं को लेकर आए हैं। तो चलिए देखा जाए दोस्तों, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। यानी जब भी ऐसे सवाल आ जाए पेपर में तो आपको बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जा रहा है, तो 119 से भाग देने पे आपका शेष 19 बच रहा है, तो शेष हमारा 19 बच गया। अब बोला जा रहा है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें, तो 17 से आप भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। यानी कि आपको इतना देखना है कि 17 का आपका एक गुणज होगा, तो 17 साथ 119। तो हमें पहली संख्या से ऐसे सवालों में मतलब नहीं होता है, अर्थात 17 साथ 119 इसे हम छोड़ देंगे। अब इसी 19 में हम भाग कर देंगे, तो आपका 17 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगी 17 एकम 17, यानी 2। शेष पूछा जा रहा है क्या बचेगा, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि संख्या 48 32 7 8 संख्या 11 से विभाजित हो तो ए का मान होगा। यानी जब भी विभाजित वाली सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि यहां पे हमें पता होना चाहिए, हम संख्या लिख दे रहे हैं 48 32 7 8 दिया है। 11 से विभाजिता का नियम में हमें इतना पता है कि 11 से विभाजित कब होगा, या तो आप एक एक अंक को छोड़कर जोड़ लीजिए, जो बच रहा उसको जोड़कर दोनों का अंतर, आपका अंतर जो होगा या तो 0 आए या तो 11 आना चाहिए। यदि यह आ रहा है तो वह संख्या 11 से आपकी क्या होगी, भाज्य होगी। कहने का यह मतलब है कि केवल एक एक अंक आपको छोड़ना है, तो यहां पे हम करेंगे 4 में एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक छोड़ दिए हैं, 8 को छोड़ दिए हैं, फिर इसके साथ इसे जोड़ेंगे एक अंक छोड़कर, फिर इसे छोड़कर इसे आप जोड़ लेंगे, तो 4 3 7 यहां पे हो जा रहा 4 3 7 8, फिर जो अंक बच रहा है यानी जोड़ेंगे 8 7 15 3 18 4 22, यानी 22 हो जा रहा है माइनस, अब आपका हो जाएगा जो आप छोड़े थे उसे जोड़ लीजिए, तो 8 में 2 जोड़ेंगे और ए जोड़ लेंगे, तो 8 2 10 हो जा रहा है प्लस ए हो जा रहा है। यानी कि अब हमारा 22 है, यहां पे 10 दे रखा है, तो हम कौन सा अंक रखेंगे कि हमारा यहां पे जो 11 से विभाजित हो जाएगा, तो पहले तो हमारा ए बराबर 1 रख लेंगे, ताकि 10 और 1 11 हो जाएगा, और 22 में से 11 जाएगा तो आपका 11 बचेगा, यानी 11 बचेगा तो वो संख्या विभाजित तो हो जाएगी। कहने का मतलब कि एक ही जगह यदि आप 1 रख लिए हैं तो आप इसके स्थान पर जोड़ने पर 11 हो जाएगा, क्योंकि 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा, आपका 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा अंक यदि 2 रखेंगे तो विभाजित नहीं होगा, यानी 1 को छोड़कर कोई भी अंक रखेंगे तो 11 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात हमारा ए के स्थान पे क्या मारे हैं, 1 रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा, 100 तथा 200 के बीच में सभी संख्या ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त हो। जब भी ऐसी सवाल आ जाए विभक्त वाली, आपको 9 और 6 का लसा ले लेना है, यानी 9 और 6 का आपको क्या करना है, लसा। तो आप एलसीएम लेंगे 9 6 का, तो हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा 9, 2 3 6, 3 से कटाएंगे 3 3 9, 3 1 इसका यानी हो जाएगा, तो लसा हमारा 2 3 6 3 18। अब जो 18 लसा हो गया, तो एक बार 100 में भाग कर लेंगे, 100 में 18 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 18 5 90। कहने का यह मतलब कि 18 से विभाजित होने वाली संख्या आपका 5 थी 100 से पहले, एक बार कर लेंगे 200 में भाग इसी 18 से, तो 18 1 18 हो जाएगा आपका 2 बचेगा, 18 1 18 यानी 200 तक आपकी 1 से लेकर 200 तक 11 संख्या 18 से विभाजित हो रही थी, और 100 से पहले 5 संख्या विभाजित हो रही थी। तो पूछा क्या है कि 100 तथा 200 के बीच पूछा है दोस्तों कितनी संख्या विभाजित हो रही है, तो 11 माइनस 5, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 6 आंसर होगा, घटा लेंगे 11 माइनस 5, तो इसके बीच में 6 संख्या आपकी 9 तथा 6 से दोनों से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा,
51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 56 डॉट 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 100 तक का योग होगा। यानी हम पहले इसमें देखेंगे कि कितनी तक संख्या एक से नहीं दिया, तो एक से 50 तक संख्या नहीं दिया दोस्तों। अब क्या करना है कि पहले हमें इसमें एक से 50 तक जोड़ लेंगे, फिर एक से 50 तक घटा लेंगे। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, आप इसमें करेंगे क्या कि 100 दिख रहा है तो पहले हम लिख लेंगे सूत्र से आपका जो प्राकृतिक संख्याओं का होता है n, n प्लस 1 बटा में 2। तो हम मान ले रहे हैं कि 1 से 100 तक तो आपका हो जाएगा 100 संख्या गुणे इसमें जोड़ेंगे तो 101 बटा में 2 कि ये कैसे है, हम मान ले रहे हैं कि हमारी संख्या 1 से 100 तक है और जो नहीं दिया था उसी को घटा लीजिएगा। तो 50 तक संख्या नहीं दिया तो n का मान 50, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 बटा में हो जाएगा 2। क्यों घटाएं दोस्तों, क्योंकि संख्या 1 से 50 तक आगे गायब था इसलिए हम घटा लिए। 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 50, गुणा करेंगे 50 50, 2 से घटाएंगे 25, 25 में गुणा 51 का करेंगे 1275, तो घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3775। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। कि ये क्या है ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें 1 से 50 तक संख्या नहीं थी, नहीं तो हमें बस इतना ही करना ही होता। तो संख्या 1 से 50 तक नहीं दिया इसलिए जिसको नहीं, जितना नहीं दिया होगा उसको आप घटा लीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा 6 के पावर 333 गुणे 7 के पावर 222 गुणे 8 के पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो पहले हम सबसे पहले इसका आधार हम चेक कर लेंगे, तो इसका जो बेस है उसे हम अभाज्य बनाएंगे। अभाज्य इसमें 2 और 3 होता है, 2 3 6, 2 और 3 दोनों आपकी अभाज्य है, 7 आपकी अभाज्य है ही, तो इसे छोड़ देंगे। 8 को हम अभाज्य के रूप में गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 2 लिखना होगा, 2 2 4 4 2 8, यानी अब सारे आपका जो बेस हो गए सभी अभाज्य हो गए। अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 हैं तो उसमें 2 का गुणा कर लेंगे, जो घात में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 666 प्लस घात, इसकी अभाज्य संख्या 7 एक ही है तो हम उसी को उतार लेंगे घात को। इसमें 3 अभाज्य है तो 3 से घात में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 3 333। अब आप इसे जोड़ेंगे 6 2 8 3 11 को 1 हाथ में लगा 2, 3 2 5 6 11 1 12 को 2 हाथ में लगा आपका 1, 3 2 5 6 11 1 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, सॉरी ए, 1221। कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो बस आपको बेस देखना होगा, बेस जो बेस आपका है, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे तो उसको आप अभाज्य बना लीजिएगा। 6 एक भाज्य संख्या है तो इसमें 2 अभाज्य हैं, 2 और 3 तो हम 2 लिखे, इसमें 7 आपकी अभाज्य संख्या थी इसे आप नहीं तोड़ेंगे, 8 आपकी भाज्य संख्या थी तो इसमें हमें पता है, जिनको नहीं पता होगा वो 8 का लसा ले लीजिएगा एलसीएम, तो 2 4 8 2 2 4 तो आपके 3 2 मिलेंगे जो तीनों आपके 2 अभाज्य होंगे, तो उसमें घात में 3 का गुणा करके आप जोड़ लीजिएगा घातों को, वहीं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 10 के पावर 100 को 5 के पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। यानी आपको दे रखा है 10 के पावर 100, अब भाग विभाजित उसे करना है 5 पावर 75। हमें नीचे देख रहे हैं हर में 5 जो आपका जिससे विभाजित करना है दोस्तों वो आपकी अभाज्य संख्या, तो ऊपर वाले को भी हम क्या कर लेंगे अभाज्य बना लेंगे। तो 10 हमें इतना पता है कि 2 गुणे 5, यानी इसमें 2 और 5 2 का गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं को तो 10 हो जाएगा, इसके भी पावर 100 हो जाएगा, इसके भी पावर 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 5 पावर 75। आप इसे कटा देंगे 5 पावर 75 से तो 2 के पावर 100 बचेगा और ऊपर 5 पावर 25 बचेगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो 5 के पावर 25 कोई नहीं है। अब आप इसे फिर तोड़ेंगे ऑप्शन के अनुसार ये लगेगी, अब इसे लिखेंगे 2 के पावर 25 गुणे 2 के पावर 75 तो हो जाएगा 100 आपका, अब गुणे 5 पावर 25। अब हम देखेंगे यहां पे करना क्या है कि 2 पावर 25 और 5 पावर 25 जब घात बराबर हो तो हम आधार में गुणा कर लेंगे, 5 दुना के 10 तो 10 पावर 25 हो जाएगा और गुणे 2 पावर 75 तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कि ये क्या दोस्तों, कह रहा था कि 10 के पावर 100 को 5 के पावर 75 से विभाजित करना है तो 10 के पावर 100 ऊपर लिखे हैं, 5 पावर 75 नीचे, 10 को हम तोड़ दिए हैं,
दो गुणे पांच के रूप में, तो दो के पावर सौ, पांच के पावर सौ, फिर इसे कटा देंगे तो पांच पावर पच्चीस बचेगा। ऑप्शन देखने पे पांच पावर पच्चीस कोई नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब दो को हम तोड़ लेंगे, दो पावर पच्चीस और गुणे दो पावर पचहत्तर, तो आपका फिर हो जाएगा सौ। तो इसे हम लिख सकते हैं पांच गुना के दस के पावर पच्चीस। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सत्रह के पावर दो सौ को अठारह से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब बीस वाले ऐसी आ जाए तो आपको करना क्या कि घात आपकी बहुत बड़ी दिख रही है, यानी सत्रह को दो सौ बार लिखना होगा। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, अब हम करेंगे केवल जो दो सौ आपका है ये आपकी सम संख्या है, जो घात दो सौ दिख रही है वो सम है, तो हम दो सौ को हटा देंगे। अब वहां पर सम के अनुसार यहां पर दो लिख लेंगे, यहां पे घात सम होगी बड़ी वाली तो उसको हटाकर सबसे छोटी सम लिखेंगे। यदि घात विषम होती तो हम सबसे छोटा विषम एक रखते, यदि उससे नहीं होता तो हम तीन रख लेते। तो यहां सत्रह के पावर दो का मान कर लेंगे तो हो जाएगा दो सौ नवासी, और इसी दो सौ नवासी में हम क्या कर देंगे तो भाग कर देंगे, तो अठारह एकम अठारह, अठारह छका एक सौ आठ। तो आपका पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा दोस्तों, तो शेषफल आप देख ही रहे हैं एक होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। किए क्या है आप फिर से देख लीजिएगा कि 17 के पावर 200 जो दिया है, 200 घात को हटा देंगे, चाहे 400 घात हो, सम होनी चाहिए घात बड़ी में, उसे हटाकर सबसे छोटी दो आप रख लीजिएगा सम, और उसको आप प्रसार कर लीजिएगा तो 289, और उसी 289 में 18 से आप भाग कर लीजिएगा। तो भाग कर लेंगे तो इसमें आपका एक शेष बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।